अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आत्मा की परिभाषा क्या है, आत्मा का सोर्स क्या है और उस सोर्स को बनाने वाला कौन? सबसे पहली बात है, व्हेन यू फॉलो द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में कहा गया है कि जिसको एलिमेंट्स बोलते हैं उसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर नहीं होता है क्योंकि परमानेंट है। ऑल द सिक्स एलिमेंट्स आर परमानेंट, नो बिगिनिंग नो एंड, जो मैंने पहले बता दिया, यस और नो, यस, जो पहले बता दिया। दूसरी बात, अभी आत्मा की उत्पत्ति तो है नहीं, नाश भी नहीं है, उत्पत्ति होगी तो क्रिएटर होगा ना, ये तो परमानेंट है। फिर आत्मा की पहचान क्या है? आत्मा चेतन है, चेतन का मतलब ज्ञान, आत्मा अविनाशी है यानी परमानेंट, और आत्मा की जो क्वालिटीज है वो भी परमानेंट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत सत्य, वो भी परमानेंट है। तो परमानेंट की बिगिनिंग एंड नहीं होती है और परमानेंट का कोई क्रिएटर नहीं होता है। यू कैन रियलाइज बट नॉट टू क्रिएट, आत्मा को बना नहीं सकते अनुभव कर सकते, आत्मा की क्वालिटी को बना नहीं सकते मगर रियलाइज कर सकते, नंबर वन। दूसरी बात, आपके प्रश्न के रिगार्डिंग, आत्मा है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? जैसे हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे अप्लायंसेस है मगर वो पावर के बिना उनकी वैल्यू, मगर पावर तो दिखता नहीं है, बोलते नहीं है, मगर वैल्यू किसकी है? पावर वो नहीं है तो ये से बॉडी दिखती है मगर आत्मा, मगर आत्मा नहीं है तो बोलते नहीं है, नहीं चले। ऐसे आत्मा जो है वो दिखता नहीं है, सोल इज अ परमानेंट पावर और वो ज्ञान पावर है। क्या है? आत्मा के अलावा बाकी के पांचे पांच तत्व के अंदर ज्ञान तत्व, चेतन तत्व नहीं है। तो छह तत्वों में एक ही तत्व चेतन है जिसके पास ज्ञान है, और ज्ञान है तभी संवेदना है, तभी अनुभूति है और तभी परमानेंट हैप्पीनेस भी है। जड़ को परमानेंट हैप्पीनेस टेम्पररी होती नहीं है, ये धर्म नहीं है कि किताब में लिखा है आपको मानना ही पड़ेगा, ये बात नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रू साइंस है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट देन अप्लाई देन रियलाइज। जब आपके पास समझ ही नहीं होगी तो अप्लाई भी कैसे होगा, अनुभव भी कैसे होगा? भाई किताब में लिखा है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन एंड टू कन्विंस द स्पिरिचुअल साइड। बात नेचर पर डाल दी, नेचर की परिभाषा को सुनने आती नहीं है। आपने सारी बातें नेचर पर डाल दी और नेचर का मैंने नेचर को मैंने समझाया, सिक्स इटर्नल एलिमेंट्स जो गीता में है, वेदांत में है और जैनिज्म में है, छह तत्व आप पढ़ लेना या कोई सन्यासी को साधु को पूछ लेना, वो बता देंगे कि छह तत्व है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, तीनों में है, वेदांत में भी है, गीता में भी है और जैन के आगम में भी है छह तत्व, क्योंकि वो तो परमानेंट है ना, कोई माने या ना माने, कोई एक्सप्लेन करे या ना करे, वो तो है। मगर आज धर्म के अंदर भगवान जो फॉर्मेट बताया वही बताना है, तो छह तत्व की बात कौन बताएगा? उनके लिए छह तत्व शब्द है नहीं है तो वो क्यों बताएगा? समझ में आया?
तो ये कोई नई बात नहीं, मैंने पहले भी कहा, मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो सनातन सत्य है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये मेरा तुम्हारा या और किसी का व्यू पॉइंट नहीं है, ये राम कृष्ण महावीर का भी व्यू पॉइंट नहीं है, वो तो सनातन है। इसीलिए उन्होंने बनाया वो भी सब्जेक्ट, वो था है और रहे, और नहीं मानना नहीं समझना वही अज्ञान है, और वही अज्ञान से फिर पाप पुण्य बनते हैं, जन्म मरण बढ़ते हैं। बस सनातन सत्य ही ऐसा है जिससे कर्म नहीं बनेगा, बस रिलेटिव सत्य और धार्मिक सत्य से कर्म बनते ही रहेंगे और जन्म मरण के चक्कर होते ही रहेंगे और चारों गति में घूमना है, तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। मोक्ष की प्राप्ति के बाद कहाँ पहुंचे आदमी? मोक्ष आत्मा की अगर आप अल्टीमेट गोल जो बता रहे उसको मोक्ष हो गया, जैसे मोक्ष के बाद में फिर वेयर बताऊं मैं आपको मोक्ष का मतलब क्या है। मोक्ष का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस, नो री इनकार्नेशन एंड नो सफरिंग इवन दो नो फिजिकल बॉडी। ये स्टेटस है सोल का, इसकी अनुभूति करना उसका नाम मोक्ष है। इसकी अनुभूति करना मतलब जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहना है, पाप करे। सारे कर्मों की निर्जरा होने के बाद में वो जो आत्मा है जो आज अपने आप सभी के शरीर में विद्यमान है, चैतन्यता है, बस वो जब कर्मों का निर्जरा हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? बताओ मैं आप, जैसे सामान्य व्यक्ति तो घर में रहते हैं, यस और नो? और चोरी करना, चोरी करने वाला पकड़ा जाएगा तो कहाँ जाएगा? जेल में। जेल में क्यों जाता है भी वो? ने चोरी किया तो जेल में जाना ही पड़ेगा। ऐसे ये कर्मों की जेल है। हमने बहुत सारे गुनाह किया है राग द्वेष करके, तो हम जेल में है, हम मुक्ति में नहीं है। गुनाह किया है तो जेल की भुगतान करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं। ये जेल है हमारे शरीर की, जो आत्मा है उसका जो ओरिजिन पॉइंट है, उस समय तो कोई कर्म का बंधन था नहीं। बोलिए बोलिए। उस समय तो कोई कर्म का बंधन था नहीं, उसके बाद में ये चालू हो गया, तो आप बता दो साइकिल जो। हाँ, ऐसा कहो कि साइकिल बताओ, आपके पास जो सोच है वो लिमिटेड है, यू डोंट नो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रीचर्स, एंडिंग पॉइंट ऑफ द क्रीचर्स, ये आप जानते हैं नहीं है। आपने सिंपल बता दिया कि भाई पहली बार आया तो क्या, मगर ये मालूम नहीं है हमको पहली बार का मतलब क्या है, हम जानते हैं नहीं है। बताओ अभी धीरे धीरे शांति से, ओके? जो हमारे जीवों की उत्पत्ति एकेंद्रिय से हुई है, लॉ ऑफ इवोल्यूशन आप जानते हैं, पढ़ा भी होगा आपने स्कूल कॉलेज में, करेक्ट और नॉट? लॉ ऑफ इवोल्यूशन, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन, चार और पांच इंद्रिय, पांच इंद्रिय तक एनिमल होता है, ठीक है, फाइव सेंसेस तक अप टू, फिर मनुष्य में आएगा फर्स्ट टाइम, तो पांच इंद्रिय भी होगी और बुद्धि मिलेगी, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है अभी मेरे को मेरी इच्छा के मुताबिक प्राप्त करना है, क्या बताया? और इंसान से पहले जो है वहां नेसेसिटी है, क्या है नेसेसिटी? समझते ना, आहार भय मैथुन निंद्रा, बस ये चार प्रकार की संज्ञा से जीवों का जीवन है। मनुष्य में चार संज्ञा प्लस बुद्धि है। हजारों सिंह एक इंसान को पिंजरे में नहीं डाल सकता है, बोलते नहीं है, मगर हजारों सिंह को एक इंसान पिंजरे में डाल सकता है, बुद्धि। आप समझे? अगर हम कुत्ते को 500 बड़ी बड़ी रोटी देंगे खाने के लिए तो एक दो तीन चार खाएंगे, बाकी की छोड़ देंगे। इंसान को देंगे 25 रोटी तो एक दो खाएंगे, बाकी घर ले जाएंगे। इनका नाम है बुद्धि, इनके पास बुद्धि नहीं है।
बुद्धि मिलने के बाद कर्म का चार्जिंग होता है. 1 sense to 5 sense इज अ नेचुरल डेवलपमेंट, नेचुरल ग्रोथ. उसमें कर्म नहीं है, इट्स अ नेचुरल डेवलपमेंट. नाउ यू अंडरस्टैंड. मनुष्य में आने के बाद मैक्सिमम 5 इंद्रिय का डेवलपमेंट हो गया. अभी मनुष्य में आया तो 5 इंद्रिय पर बुद्धि मिला, बस वहां से कर्म बनना चालू हो गया. और अभी तक का ज्ञान कौन सा है? 5 इंद्रियों का. वो सनातन नहीं है. समझ में आया? इंद्रिय ज्ञान का मतलब रिलेटिव ज्ञान. तो पहले इंद्रिय ज्ञान का विकास, मनुष्य में आने के बौद्धिक ज्ञान का विकास, और फिर बहुत मार खाते फिर समझ में आता है आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ. वो ही समझ में नहीं आता है. न कुछ लाना है न कुछ ले जाना है, बोलते नहीं है. न कुछ लेकर आना है न कुछ लेकर, सिर्फ मानना है कि मेरा है, ले जाना कुछ भी नहीं. नहीं समझ में आता है मैं किसके लिए जीता हूँ, वही नहीं मालूम मेरे को. मैं माँ बाप के लिए जीता हूँ, मेरे लिए जीता हूँ, भाई बहन के लिए जीता हूँ, पति पत्नी बच्चों के लिए जीता हूँ, समाज के लिए जीता हूँ, किसके लिए जीता हूँ वही नहीं मालूम. यस और नो? यस. और जो कुछ पढ़ाई करके मेहनत करके प्राप्त करता हूँ, सत्ता संपत्ति सबन साधन, वो भी रहता नहीं तो मैंने अचीव क्या किया? कोई पूछेंगे आप क्यों जीते, कुछ नहीं के लिए जीते हैं, ये कोई उत्तर? फाइनली अब करना क्या है बताओ आप. फाइनली ये करना है कि हमको जेल से छुटकारा पाना है, कर्म के बंधन की जेल से छुटकारा पाना है. दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस एंड फ्रॉम फ्री फ्रॉम री इनकार्नेशन. जन्म मरण से मुक्ति और बंधनों से परमानेंट मुक्ति. दैट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ. है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कर्मों का जो आप बोल रहे हैं खत्म करने के लिए, वो क्या करना पड़ेगा? कर्म बनते हैं अज्ञान से. अज्ञान इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रुथ. गौर से सुनो, डेफिनेशन ऑफ इग्नोरेंस इज वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रुथ. वो अज्ञान है. समझ में आता है? वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रुथ. रिलेटिव ट्रुथ से लाइफ है, वैल्यू नहीं होनी चाहिए. वैल्यू होनी चाहिए यूनिवर्सल ट्रुथ. अगर रिलेटिव ट्रुथ की वैल्यू करेंगे तो राग द्वेष हो गए ही. दैट्स ट्रू. और राग द्वेष होंगे तो कर्म बनेंगे ही, और कर्म बनेंगे तो जन्म मरण भी. देयर इज नो एनी अदर वे. और इसीलिए अज्ञान को निकालना है तो रिलेटिव सत्य की वैल्यू जीरो करना पड़ेगा. कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ. यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? नेचर, लॉ ऑफ नेचर, एंड नेचर क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस. फिर दिस बॉडी एंड ऑल अदर बॉडी, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. ऑल द बॉडीज आर प्लेयर. इट इज क्रिएट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय बाय द लॉ ऑफ नेचर. फिर राजवेश करने की क्या जरूरत है? बॉडी इज द प्लेयर, राइट? गिवन बाय द नेचर. नेचर, ओके, वी नीड टू प्ले आवर रोल इवन दो द नेचर एज पर द प्रीवियस बर्थ प्रोग्राम. प्रोग्राम, ओके. नाउ स्लोली, कोई बात नहीं, धीरे-धीरे बताइए. सो वी नीड टू प्ले द रोल इवन दो वी नो द एसेंस ऑफ द नेचर लॉ, बट स्टिल वी नीड टू प्ले द रोल. कंपल्सरी. सो व्हेन वी प्ले द रोल डेफिनेटली वी विल गेट द कर्म. No. No. Play of the role is not karma. Play of the ignorance, they create the cause. Ignorance create the cause. Thought, speech and action never create the cause. It is compulsory part, mechanical part, create, operate and destroy by the law of nature. So in terms of action of mind, speech and physical action, you are not responsible. It is done by the player. And as per the previous birth program. But what is today you believe? I am a body. This is my father's, mother's, husband, wife, money, house, everything. जो body का है वो मेरा है, वही तो अज्ञानता है. जो body suffering करती है वो मैं करता हूँ, वही तो अज्ञान है. जो body क्रिया करती है वो मैं करता हूँ, वही तो अज्ञान है.
यस और नो। तो ये विजन में करेक्ट करना है, इसमें करेक्शन करना भी नहीं है, कर सकते भी नहीं है। राम भी रावण को समझाने में फेल हुए थे, बोलते नहीं है। कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने में फेल हुए और महावीर गोशालक को समझाने में फेल हुए, मगर हम अभी तक पत्नी पति को समझाने में, पत्नी पति को समझाने में सफल होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम तो इससे भी बड़े हैं महान। करते रहो। करना ये चाहिए कि क्या हो रहा है, यू आर द ऑब्जर्वर, नॉट डूअर, नॉट ओनर, नॉट सफरर। जो डूअर ओनर सफरर है, नॉट यू आर, यू आर द ओनली ऑब्जर्वर एज अ कुदरती रचना। एवरीथिंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ, इंक्लूडिंग योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन इज प्री डिसाइडेड एज पर द प्रीवियस बर्थ प्रोग्राम एंड प्लेयर विल ओनली प्ले विदाउट चॉइस। तो यू आर द ऑब्जर्वर एज अ कुदरती रचना। टूडे बॉडी का क्रिएटर ऑपरेटर कौन है? कुदरत है। तो आपको क्या देखना है? जो भी अवस्था है वो कुदरती तो है। जन्म जीवन मृत्यु किसकी अवस्था है? कुदरत की है। तो हमको तो ऑब्जर्वर रहना है, ना डूअर, ना ओनर, ना सफर। अगर ऑब्जर्वर रहेंगे तो फिर कर्म कैसे बनेंगे? बनेंगे राजभेष होंगे। यही तो मुक्ति का मार्ग है। इसमें आपको ये धर्म को मानना है, ये गुरु को मानना है, ये भगवान को मानना है, ये आपको समर्पण करना है, ये आपको रिचुअल्स करना है, ये सब्जेक्ट यहाँ, ये सामायिक करना है, ये प्रतिक्रमण करना है, ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। ये सब धार्मिक बातें हैं। क्या है? स्पिरिचुअल नहीं है, ये फॉर्मेट के अंदर है। यस। सो ये क्वेश्चन मैंने काफी सारे स्पिरिचुअल लीडर से किया है, अलग अलग संप्रदाय से, बट कहीं सही आंसर नहीं मिला है कि there's a conflict between science and spiritualism. Most of the places it is correct. Science is coming up to it, but काफी सारी जगह spirituality सही है. Science को तो अभी पता चल रहा है कि अरे हाँ spirituality में ऐसे बोलते हैं. But there are couple of places जहाँ conflict है. एक जो theory of evolution की बात की, right? Earth का अपन evolution की बात करते हैं, right? 13 billion पहले Earth बना था. यूनिवर्स की बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं, 7 बिलियन पहले अर्थ बना था, यूनिवर्स 13 बिलियन पहले अर्थ बना था, बट मनुष्य की खुद की उम्र 100 मिलियन ईयर्स पहले, राइट, डायनासोर से कहीं से। सो वहां जो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म के बीच में, सो हाउ वुड यू एड्रेस दैट? बिकॉज वहां कर्म की बात कैसे आ गई, वहां बुद्धि की बात कैसे आ गई, वहां कर्म कैसे बने? सो इफ यू कैन एड्रेस दैट, बिकॉज दैट कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन गोइंग ऑन इन माय माइंड फॉर लाइक डेकेड्स, राइट? सबसे पहली बात यह है, आपने भी पहले एक्सप्लेन किया कि मैंने बहुत सारी जगह से स्पिरिचुअल के बारे में सुना है। पहली बात यह कि स्पिरिचुअल टॉक करना विदाउट एक्सपीरियंस इम्पॉसिबल फ्रॉम द एनी पर्सन ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, विद ए ट्रांसफर द नॉलेज फ्रॉम द स्क्रिप्चर, वो स्पिरिचुअल नहीं है। इट इज ओनली वर्ड्स एंड सेंटेंस, ओके, जो गीता में लिखा है, जो आगम में लिखा है, जो वेदांत में लिखा है, वो अगर कोई पढ़ के आपको बता है, इट इज नॉट अ स्पिरिचुअल, इट इज रिलीजियस। एनी पर्सन ऑफ द यूनिवर्स, ओके, स्पिरिचुअल इसको बोलते हैं द पर्सन दे रियलाइज बाय इटसेल्फ एंड दे एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी सेंटेंस, बिकॉज उसका अनुभव प्रेजेंट करता है। और आज मैं जो कुछ बता रहा हूं, हर सेंटेंस के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये मेरा अनुभव है।